தெரியாது. அடவுகள் படிச்ச சோவ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എനിക്കറിയില്ല. साउथ इंडियन के ऐसे मूवीज के नाम आज बताने वाला मैं आपको, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है और इसको मिस करना मतलब बहुत बड़ी गलती हुई आपसे. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. नंबर 5 पे जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है अम्मो. दोस्तों ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है. इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला रहता है, दिखने में तो बहुत ज्यादा शरीफ लगता है, बेचारा टाइप का लगता है. एक दिन अचानक से उसकी एक शादी होती है और जिस लड़की से शादी होती है वो बहुत सीधी सादी सिंपल लड़की रहती है. एक साल तक तो ये लोग अच्छे से मतलब दिन गुजारते हैं, लेकिन एक साल के बाद से ये पुलिस वाला भाई इतना ज्यादा जुल्म करने लगता है उस बेचारी लड़की के ऊपर. तो इस मूवी में आप ये देखिए, क्या वो लड़की चुपचाप से ये जुल्म को सहती है या उसका बदला फिर लेती है, अगर लेती है तो कैसे लेती है. ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी. नंबर 4 पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है डोंगा लुनारू जगनाथ. दोस्तों आपने हर मूवी में तो चोर देखा होगा, बहुत ही टाइप के चोर देखोगे. इस मूवी में ऐसा चोर देखेंगे तो चोरी करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है. लेकिन भाई साहब एक दिन वो चोरी करने के लिए कार के अंदर जाता है, लेकिन जब चोरी कर लेता है भाई साहब तो उस कार के अंदर वो अचानक से लॉक्ड हो जाता है. और वो बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उस कार के अंदर से वो नहीं निकल पाता है. तो एक्चुअली में वो बाहर निकलता भी है कि नहीं, और इस कार की क्या मिस्ट्री है भाई, तो इसको मूवी में देखना. ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी. नंबर 3 पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है मॉन्स्टर. दोस्तों ये क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है. इसमें दिखाया जाता है एक बहुत सारे मतलब बहुत बड़े रईस इंसान का मर्डर हो जाता है और पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगती है. लेकिन भाई साहब इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता भाई, पुलिस केस को सॉल्व ही नहीं कर सकती. लेकिन फिर उनको एक आदमी के बारे में पता चलता है जो इस केस को सॉल्व कर देगा, इतना ज्यादा वो गारंटी रहते हैं. तो भाई साहब फिर पुलिस वाले उस आदमी के पास जाते हैं और भाई साहब उस आदमी की क्या स्टोरी है, क्या वो लास्ट तक केस को सॉल्व कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, और उसके पीछे का क्या सस्पेंस है, सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा. ये मूवी भी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी. नंबर 2 पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है पथम पथम नठंडू. दोस्तों ये मूवी की जो स्टोरी है ना, एक रियल बेस पे स्टोरी है. अब इसकी जो कहानी दिखाई जाती है ना, आजादी के पहले की कहानी. उस टाइम में बहुत सारे लोग रहते थे जो छोटी जात ऊंची जात पे लड़ाई वगैरह करा करते थे. तो उस टाइम में दिखाया गया इस मूवी में कि जो बड़े जात के लोग तो किस तरीका से छोटे जात के लोगों को दबा के रखते रहे, हमेशा उन पर बहुत सारा जुल्म वगैरह करते थे. तो इस मूवी में आप ये देखेंगे कि जो छोटे जात के लोग थे उस टाइम, उन्होंने किस तरीका से अपने हक के लिए लड़ा और किस तरीके से सरवाइव किया, तो सब कुछ इस मूवी में देखेंगे. मूवी काफी ज्यादा अच्छी है. मूवी भी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी देखने को. नंबर 1 पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है डायरी. दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया कि एक पुलिस वाला रहता है, एक मिस्ट्री केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा वो जब केस की तह तक पहुंचता है तो उसको बाद में पता चलता है कि भाई साहब इस केस के पीछे तो कोई सुपर नेचुरल पावर का हाथ है. अब वो सुपर नेचुरल पावर क्या है, इस पुलिस वाला क्या उस सुपर नेचुरल पावर तक पहुंच पाएगा, क्या है इन सब चीज का राज, इस सब चीज को देखने के लिए और जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना बहुत जरूरी है. उम्मीद करता हूं कि ये 5 मूवी से कोई ना कोई मूवी आपको जरूर अच्छी लगी हो. तो अगर आपने मूवी देख ली है और देख कर आए तो कमेंट करके जरूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक